सूर्यकुमार यादव को भारतीय सेलेक्टरों ने दिया बड़ा झटका। सिर्फ श्रीलंका दौरे के लिए होंगे सूर्यकुमार यादव कप्तान। हार्दिक और सूर्या नहीं तो कौन होगा भारतीय टीम का T20 कप्तान? जी हाँ, इस वक्त अगर सबसे बड़ी जो अपडेट आई है वो यही है कि हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी BCCI नहीं दे रहा है, भारतीय सेलेक्टर नहीं दे रहे हैं, वो राजी नहीं हुए हैं और सूर्यकुमार यादव श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के कप्तान होने वाले हैं। यानी रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया है तो सूर्यकुमार यादव अब T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। हार्दिक पांड्या को करारा झटका लग चुका है, ये तय हो चुका है, इस पर मोहर लग गया है, इसमें अब कोई संशय नहीं है। ऑफिशियल ऐलान जब स्क्वाड का ऐलान होगा तब आ जाएगा, लेकिन बड़ा झटका इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सूर्यकुमार यादव को भी भारतीय सेलेक्टरों ने दे दिया है। भारतीय सेलेक्टर्स विचार विमर्श करते हुए दिखे कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्यकुमार यादव के पास अनुभव अपार है कप्तानी का, ना ही वो फ्रेंचाइजी लीग में बहुत ज्यादा कप्तानी किए हुए हैं, ना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा कप्तानी किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम के सूर्यकुमार यादव कप्तान थे, उससे ज्यादा उनके पास अनुभव नहीं है। इस अनुभवहीनता को देखते हुए BCCI सेलेक्टरों के अंदर जहन में थोड़ा सा शंका है उनकी काबिलियत के ऊपर कि क्या सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या रोहित शर्मा वाला वो रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या उनकी अगुवाई में भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में सफल हो पाएगी या नहीं पाएगी। ये सारे संशय, ये सारे सवाल भारतीय सेलेक्टरों के मन में हैं, खासकर भारतीय चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के मन में है। दुविधा की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से BCCI को वहां पर भारतीय सेलेक्टरों ने यह भी बताया है कि अभी उनको काबिलियत पर सूर्यकुमार यादव के संशय है, अभी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है सूर्यकुमार यादव की कप्तानी को लेकर, और उनको लगा 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर उनको ये महसूस हुआ कि सूर्यकुमार यादव अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे बतौर कप्तान, टीम का प्रदर्शन उनकी कप्तानी में अच्छा नहीं हो पा रहा है, सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, टीम के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, वो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो सूर्यकुमार यादव बतौर कप्तान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कप्तानी कभी भी छीनी जा सकती है सूर्यकुमार यादव से। हालांकि 2026 T20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से ही उनको कप्तान बनाया गया है, BCCI सेलेक्टर ने बताया BCCI को, लेकिन वहां पर स्टार बनाकर यह भी लिखा है कि कभी भी सूर्यकुमार यादव से वो कप्तानी छीन सकते हैं अगर भारतीय टीम का प्रदर्शन नहीं आया। यानी यह तय नहीं है कि सूर्यकुमार यादव 2026 T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे ही होंगे। ये भी हो सकता है कि श्रीलंका दौरा के बाद ही सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छीनी जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गुस्ताखी BCCI नहीं करेगा। BCCI PCB नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक दौरे के प्रदर्शन के दम पे किसी की कप्तानी छीन ले, उनकी काबिलियत आंक ले। BCCI भरपूर मौका देगा, गंभीर भरपूर मौका देंगे, सूर्यकुमार यादव को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा, 4-5 श्रृंखलाएं देखी जाएंगी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की काबिलियत कैसी है उन श्रृंखलाओं में, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन परमानेंट तौर पे नहीं किया गया है कि वही 2026 में T20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे, उनसे कप्तानी कभी भी BCCI छीन सकता है। उन्होंने स्टार लगाकर भारतीय सेलेक्टरों ने BCCI को संदेश भेज दिया है कि भैया हम परख रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण हमारा यही है कि सूर्यकुमार यादव ही 2026 में जो भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है भारतीय टीम की अगुवाई करें, नेतृत्व करें, लेकिन 3-4 श्रृंखलाएं हम परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे कि सूर्यकुमार यादव के अंदर वो काबिलियत है कप्तानी की नहीं है। तो एक कह सकते हैं जोर का झटका धीरे से दे दिया है सूर्यकुमार यादव को कि भैया 3-4 श्रृंखलाओं में आपको प्रूव करना होगा, साबित करना होगा। तो सवाल ये बन बैठता है कि अगर 3-4 श्रृंखलाओं में सूर्यकुमार यादव अपने आप को साबित नहीं कर पाते, अगर इन 3-4 श्रृंखलाओं में सूर्यकुमार यादव विफल रहते हैं, टीम प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो आखिरकार कप्तान कौन होगा? तो देखिए, हार्दिक पांड्या को तो साफ मैसेज BCCI सेलेक्टरों ने दे दिया है, उनसे बातचीत कर ली है, रोड मैप उनको बता दिया है कि ये सोच है हमारी जिस वजह से हम आपको कप्तान नहीं नियुक्त करने वाले हैं। तो एकाएक सूर्या को हटाकर बैकवर्ड स्टेप नहीं BCCI लेगा, मतलब भारतीय सेलेक्टर अपने ही फैसले पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करना चाहेंगे, तो नया कप्तान मिलेगा। अगर सूर्यकुमार यादव पास नहीं हो पाते हैं कप्तानी में, अपना काबिलियत साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर ना हार्दिक होंगे ना सूर्या होंगे, नया कप्तान भारतीय टीम को मिलेगा वो ऋषभ पंत होने वाले हैं। तो ऋषभ पंत की दावेदारी बढ़ जाएगी अगर सूर्यकुमार यादव विफल रहते हैं बतौर कप्तान। हालांकि
जो बीसीसीआई सेलेक्टरों ने फैसला लिया है, अजीत अगरकर जो चीफ सेलेक्टर हैं जिन्होंने सूर्यकुमार यादव कप्तान बनाया है, वो फैसला 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से ही लिया है। लेकिन तीन चार श्रृंखलाएं अग्नि परीक्षा होंगी सूर्यकुमार यादव की, अगर वहां पर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल भी सेलेक्टर हिचकेंगे नहीं सूर्यकुमार यादव की कप्तानी छीनने से। तो ये बातें साफ तौर पे बीसीसीआई को भारतीय सेलेक्टरों ने बता रखी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सूर्यकुमार यादव सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे और भारतीय टीम उनकी अगुवाई में 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।